तो ये थर्ड क्लास वीडियो वाइज आई थिंक चौथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे समेशन वगैरह पढ़ रहे थे, मीन मीडियन मोड देख लिया, थोड़े से मैट्रिक्स देख लिए, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर लिए, मेजर्स ऑफ स्प्रेड के बारे में बात कर ली, और एक स्क्यूनेस नाम की कोई चीज़ होती है देख लिया। अब इसे फॉर्मूला देखा है, जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो इनको वापस रिजरेक्ट रिजरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अभी के लिए भूल जाओ उसको, अभी वापस आ जाओ बेसिक्स पे। एक चीज़ होती है सेट्स, ठीक है, आज सेट्स खत्म कर लेते हैं, जितना ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी के लिए उतना सेट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक सेट है डी, इसको ऐसे लिखते हैं, किसी सेट को तुम तो नाम देते हो डी, सब कोडिंग वोडिंग में बहुत कॉमन है। मान लो तुम्हारा सेट है नंबर डेज, तो डेज तुम्हारे कौन से हैं, एक है संडे, एक है मंडे, एक है ट्यूसडे, एक है वेडनेसडे, एक है थर्सडे, एक है फ्राइडे और एक है सैटरडे। ठीक है, 7 दिन हो गए, तो तुम्हारा सेट हो गया। सेट के अंदर इन चीज़ों को बोलते हैं एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, इसमें तुम नाम रख सकते हो, इसके अंदर वापस सेट रख सकते हो, इसके अंदर तुम नंबर्स रख सकते हो, इसके अंदर इक्वेशंस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अभी के लिए हमने सिर्फ बहुत सिंपल रखा हुआ है, इनके डेज के नाम रखे हैं, और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, संडे से शुरू हुआ ऐसा नहीं कि संडे से शुरू होगा, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता सेट्स के अंदर। सेट्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती है, इसको एक बॉक्स मान लो, जिसको एक मोटा सा ब्राउन कलर का बॉक्स मान लो, जिसमें छोटे छोटे बॉल्स रखी हुई हैं, तो कोई ऑर्डर ऑर्डर नहीं है इनका, ऐसे शेक करोगे तो वो बॉल्स हिल जाएंगे, बट तुम्हें पता है वो बॉल्स वही हैं। ठीक है, दूसरी चीज इस सेट्स की क्या होती है, हम ही लोगों ने डिफाइन किया है सब। दूसरी चीज क्या होती है, कोई चीज 2 बार नहीं आती इसमें। ठीक है, 2 संडे नहीं होते, या तो संडे है या संडे नहीं है, 2 संडे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं एक सेट दूंगा, मान लेते हैं बी, ये है 1 2 3, और एक है सेट सी, ये है 1 1 2 3, दोनों बराबर सेट्स हैं। दोनों सेट्स बोल क्या रहे हैं, दोनों सेट्स बोल रहे हैं कि 1 है 2 है और 3 है। तीसरा सी सेट बोल रहा है 1 है 1 है 2 है और 3 है, तो 2 बार बोलने की क्या जरूरत है, 1 है ना, बस 1 है। तो इन चीजों का, ये दोनों सेट्स बराबर है, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, सेट हो गया। क्या कर सकते हैं इसमें, हम सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं पहले तो। हाँ, सेट को कंपेयर कर लेते हैं, तो एक मान लो एक छोटा सेट ले लेते हैं वीकेंड, ये हो गया मेरा, इसी के एलिमेंट्स उठा लेता हूँ, सैटरडे और संडे। एग्जाम्पल ऐसे उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगा। तो वीकेंड तो छोटा सेट है और डे बड़ा सेट है। ठीक है, और सिर्फ छोटा बड़ा नहीं है, एक और चीज़ कॉमन है, वीकेंड के सारे एलिमेंट्स डेज में हैं, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं वीकेंड इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ डेज। और इसकी नोटेशन होती है, जैसे लेस देन का साइन होता है, इसको थोड़ा सा घुमा दो, कर्व कर दो, ऐसे कर लो, वीकेंड तुम्हारा सबसेट है डेज का। ठीक है, सिंपल है, उल्टा बोल सकते हो, सबसेट का ऑपोजिट होता है सुपरसेट। ठीक है, तो डेज डेज इज अ सुपर सेट ऑफ वीकेंड, कोई लेस देन ग्रेटर देन वाली बात है, बस एक कर्व्ड है, नोटेशन है। ठीक है, तो इसमें एक मैथ का क्वेश्चन बन सकता है, साथ में मैं यह रख देता हूँ मैथ का क्वेश्चन। मान लो एक छोटा सा सेट है, ये तो बड़ा हो गया, मान लो एक छोटा सेट है ए लेते हैं 1 और 2, इसके कितने सबसेट होंगे, अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, कितने और सेट बना सकता हूँ जो 1 और 2 को यूज करके बनेंगे, क्या मतलब 1 और 2 को यूज करके नहीं, इसके एलिमेंट्स को यूज करके बनेंगे। अभी पढ़ा होगा 11th में, कौन 4 बनेंगे टोटल। से कौन से होंगे 4, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4। एक तो 1, एक 2, एक एम्प्टी सेट और एक 1 2 ये पढ़कर आए, एम्प्टी सेट को लिखते हैं 5, या फाइव फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि यार एम्प्टी सेट इसका सबसेट कैसे है। हमारी बात हुई थी कि हम इसके सेट के एलिमेंट्स को यूज करके बनाएंगे, तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट क्यों है, तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके इसी के सेट्स के यूज किए, 1 और 2 यूज किया है। आइडिया वॉज, प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन इज, क्या तुम A4 बना सकते हो यूजिंग 1 एंड 2। अब इसको लैंग्वेज की तरह सोचो, हाँ मैं बना सकता हूँ, मैं दोनों को यूज ही नहीं करूंगा, तो मैंने बना दिया ना। तुमने बोला यार ये आलू है या गोभी है, इसकी सब्जी बनाते, मैंने सिर्फ पानी डाल के सब्जी बनाते, पर मैंने आलू गोभी यूज कर लिया, मैंने अपने पास रख लिया आलू गोभी, ठीक मैं और कुछ यूज नहीं किया, है ठीक है। मैं और कुछ यूज नहीं किया। ठीक है, ए से बन गया मेरा काम।
एम्प्टी सेट एक्चुअली इस डेफिनेशन से एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तुम कुछ भी दे दो मेरे को इंग्रेडिएंट्स, मैं कोई भी यूज नहीं करूंगा, तो जो मेरे पास आया, जो सेट आया, वो उसका सबसेट हो गया. ठीक है, फिर एक और फिलोसॉफिकल डिस्कशन, क्या एम्प्टी सेट सेट है भी, क्या इसे सेट बोल ही क्यों रहे हो जब इसमें कुछ है ही नहीं? खाली डब्बा क्या सेट होता है क्या? आंसर इज यस, खाली डब्बा सेट होता है. और खाली डब्बा सेट होता है, स्पेशल स्पेशल सेट है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं. ठीक है, तो चार हो गए. अब ये दूसरी चीज ए थ्री पे कंफ्यूजन है यार, ए थ्री इसका सबसेट क्यों है? ये तो लेस देन वाली बात हुई थी ना. ए थ्री एक, तुमने तो सारे एलिमेंट यूज कर लिए, कभी फील आ रही होगी कि यार ए थ्री लेस देन तो नहीं है, ऐसे तो एग्जैक्टली बराबर है, तो ये इसका सबसेट क्यों है? नाम से तो लग रहा है सबसेट है, इंफीरियर वाली फीलिंग आ रही है, तो इसका सबसेट कैसे? तो सबसेट ही है ना, मतलब कि उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स जो हमें चाहिए थे, मतलब जो ऊपर वाले ए के अंदर हैं वो ए थ्री के अंदर तो एलिमेंट्स है ना, मतलब सारे, तो सबसेट ही हुआ. मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि जब मेरे तो अपनी, मैं तो अपनी फीलिंग्स फीलिंग्स बता रहा हूँ कि यार मेरे को सुनने में तो लगता है सबसे छोटा होगा, लेकिन ये तो बराबर को भी ले रहे. मैं तो बस इतना बोलता हूँ, बराबर को भी लेना चाहिए क्या? बराबर को भी लेना चाहिए. हाँ लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए बराबर को, क्योंकि डेफिनेशन ये छोटा वाले तो हमने याद करने के लिए, साइन याद करने के लिए बनाया. सबसेट की अगेन कोर डेफिनेशन इज, ये जो मेरा एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स यूज करके आपको जो करना है, जो भी करोगे इसको यूज करके आप वो सबसेट हो, तो ये सबसेट है. लेकिन टू डिफाइन ए, टू डिफाइन क्लियरली कि ए थ्री इसका सबसेट है कि नहीं, ए थ्री इसका प्रॉपर सबसेट नहीं. प्रॉपर सबसेट होता है छोटा, ए थ्री इसका सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है. तो जब ए थ्री आप लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा देना, ये बिल्कुल वही चीज है. फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर, बट थ्री इज लेस देन फोर. सबसेट है लेकिन प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर कौन से हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रॉपर नहीं है. ठीक है, अगेन छोटी छोटी नोटेशन है. सबसेट हो गया, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, अगर तुम्हारी मैथ थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, तो तुम बता सकते हो कि अगर मेरे अगर मेरा सेट थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, वन टू थ्री, तो इसके कितने सबसेट होंगे? ये सिक्स होंगे ना? गलत, रिपार्टी कोई मान लो, रिपार्टी से पूछ लेते. नौ भी गलत है, सिक्स भी गलत है, नौ भी गलत है. ठीक है, आठ होंगे. आठ से कैसे निकालो? हाँ, मेरे को फॉर्मूले में कंफ्यूजन थी. थ्री का स्क्वायर करते थे, नहीं तो टू का पावर कर देते थे जितने एलिमेंट्स होते हैं. आज ये भी बात कर लेते ना, वंस एंड फॉर ऑल ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं. टू की पावर थ्री क्यों किया भाई? हाँ ये आप बता दो राशु, कोई गेस? टू की पावर थ्री, यार वो पढ़ा था, दिमाग में नहीं आ रहा है. मैंने तो पढ़ाया ही. हाँ ये पढ़ाया है आपने, याद. मैंने पीएनसी पढ़ाई थी जेई के लिए, तब इसको कराया था ये सब. हाँ देखो, तुम्हें चाहिए सबसेट, मान लेते हैं ए डैश. ठीक है, अब तुम करते क्या हो? तुम ए के पास, तुम वन के पास जाते हो, तुम पूछते हो वन भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो वन के पास कितने ऑप्शन हुए? दो. तो एक एक वर्ल्ड में वन चलेगा, ऐसे लिख लेते हैं. यहाँ पर तुम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तुम वन से पूछते हो वन चल रहा है कि नहीं चल रहा. एक केस में वन चल रहा होगा, एक केस में वन नहीं चल रहा होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, वन चल रहा है, बढ़िया है. वन अगर चल रहा है तो तुमने वन ऐड कर दिया. फिर तुम टू के पास जाते हो, तुम पूछते हो टू चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो एक दुनिया, एक वर्ल्ड में वो होता है ना, तुम्हारे यूनिवर्सेस डबल हो रहे हैं. एक एक यूनिवर्स में टू चलेगा, एक में टू मना कर देगा कि भाई मैं नहीं चलता. फिर तुम थ्री से पूछोगे भाई थ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है. एक में बोलेगा थ्री हाँ मैं चल रहा हूँ, एक में थ्री मना कर देगा. हाँ इधर वापस आते हैं, जब वन ने मना कर दिया था कोई बात नहीं, फिर तुम टू के पास जाओगे, टू एक बार बोलेगा, टू बोल सकता है हाँ मैं चल रहा हूँ, या बोल सकता है कि मैं नहीं चल रहा. अब इधर देख लेते हैं यहाँ टू नहीं चल रहा था, टू से बात कर ली, वन से बात कर ली, थ्री से बात कर लेते हैं. थ्री कभी हाँ भी बोल सकता है, थ्री ना भी बोल सकता है. सेम केस यहाँ पर है,
एक बार थ्री हाँ बोलेगा, एक बार थ्री ना बोलेगा, मैं थ्री हाँ बोलेगा, थ्री ना बोलेगा। तो जितने भी ब्रांचेस बनी इसकी स्टार्ट से लेकर एंड तक, उतने तुम्हारे सेट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांच को लेते हैं, वन चल रहा है, टू भी चल रहा है, थ्री भी चल रहा है, ये ब्रांच क्या देगी सेट, वन टू थ्री। कोई और ब्रांच ले लो, इधर वन नहीं चल रहा था, टू चल रहा है, मान लो थ्री ने मना कर दिया, तो वन ने मना कर दिया, थ्री ने मना कर दिया, सिर्फ टू ने हाँ बोली, तो टू आ गया। ऐसे तुम्हारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सेट आ जाएंगे विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हर बार जब तुम अगले बंदे से पूछते हो तो तुम्हारी ब्रांच डबल होता है। अगर सिर्फ एक सेट, एक नंबर होता वन, तो तुम्हारे नंबर ऑफ सेट्स होते दो। अब तुमने टू से पूछा तो अब टू के भी नखरे सुनो, तो फिर डबल हो गए। वन ने जो बोला वो तो ठीक है, अब टू के भी सुनो, तो टू के बाद फोर हो गया। अगली बार थ्री से सुनोगे तो हर पॉसिबल केस के लिए, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, तो आठ हो गए। और अगर चार अगर होता, फोर होता, तो तुम इधर दो दो और ऐड कर देते, तो जितने तुम्हारे केसेस बनेंगे अगले एलिमेंट ऐड करने के बाद, वो केसेस डबल हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो बेसिकली इट्स डबलिंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अगर तीन लोग हैं तो टू की पावर थ्री, दस लोग हैं तो टू की पावर टेन। ये लॉजिक है टू की पावर का। पीएनसी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट ये इंटरसेक्शन है सेट्स और पीएनसी। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ। तो ये कहानी है टू के पावर एन की। एक महीने तक गला खराब रहता तो कोविड नहीं होता ना, तो फिर नहीं, कोविड वाला 15 दिन तक ठीक हो जाता है। हाँ, टीवी की दिक्कत हो सकती है। इसका क्या सीन है त्रिपाठी का, इसकी तबीयत ठीक है? इसकी डाउन हो गया, फीवर नहीं है बस, वही गला खराब और वीकनेस और कुछ नहीं, सब चल रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखो, किसी को नहीं पता किसकी दुनिया। तो ये है हमारा, नंबर ऑफ सेट्स की बात हो गई, डेज और वीकेंड्स की बात हो गई, सबसेट सुपर सेट की बात हो गई। जब भी कभी लगे कि यहाँ सेट्स के बेसिक्स रिवाइज करने वाली वीडियो देख लेना आधे पौने घंटे की। अच्छा, अब क्या बचता है? अब बचता है सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर लेते हैं सेट को, वो भी देख लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लो एक सेट है ए, वन टू थ्री, एक सेट है बी, टू और बस टू। पहले ये बताओ कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, कौन सा सेट बड़ा है? ए बड़ा है, ये सुपर सेट होगा ना। हाँ, तो ये गलती है, कोई सेट दूसरे सेट से बड़ा नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट से बड़े। एक नंबर होगा तो नंबर से कंपेयर करोगे ना, सेट्स को बड़ा थोड़ा, सेट्स को बड़ा छोटा थोड़ी बोलते हैं। एक सेट है वन टू थ्री, दूसरा बी सेट को मैंने 2000 कर दिया, अब ए बड़ा है कि बी बड़ा, क्या पता बी बड़ा हो, बी ने एक बार में 2000 निकाल दिया, तो इट्स बेसलेस, इट्स पॉइंटलेस। तुम सेट्स को कंपेयर नहीं करते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को कंपेयर करते हो। ये एक नोटेशन है, एन ऑफ ए मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी मतलब बी में कितने एलिमेंट्स हैं। इस एन से एन लगाने का मतलब है क्या फर्क नहीं पड़ता ए में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने तीन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने एक, तीन वन थ्री इज ग्रेटर देन वन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, सेट्स कंपेयर मत करो, उनके नंबर कंपेयर करो, तो सेट्स कंपेयर नहीं करते, ए बड़ा नहीं है। बट लूज लैंग्वेज में हम स्लिप कर देते हैं ए बड़ा है बी बड़ा है वो सब चीजें, जैसे इतनी जैसे मैं बोल रहा हूँ डी बड़ा है डब्ल्यू है, तो करेक्शन यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। तो मैं तुम्हें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ठीक है, चलो एक बड़ा छोटा ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, व्हाट इज ए प्लस बी, अगर दो सेट को मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा? थ्री फोर फाइव कहाँ से आ गए? नहीं मतलब हर एलिमेंट शायद हर एलिमेंट के साथ ऐड होता है ना? नहीं होता। इसको वही डब्बे वाली एनालॉजी है, एक डब्बा उठाया, दूसरा डब्बा उठाया, सारे इंग्रेडिएंट्स उठा के तीसरे डब्बे में डाल दिए, तो तीसरे डब्बे में क्या बचा? याद आ गया। तो 1 2 3 होगा, 2 3 बचेगा, 1 2 3 होगा। 2 को दो बार बोलने का मतलब ही नहीं है, तो 1 2 3 बचेगा। ए प्लस बी समझ में आ गया, ए प्लस बी लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3। अच्छा, फिर ए माइनस बी कितना होगा? 1 3 1 3
वन और थ्री, सही है वैसे तुम्हारा लॉजिक क्या है? टू को माइनस कर दिया, टू को हटा दिया ना, टू को हटा दिया ना, हटा दिया, सही है। तो तुमने क्या किया, ए वाले डब्बे में से ढूंढा पहले कि बी वाला डब्बा है कि नहीं है, और अगर है तो उसे माइनस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए माइनस सी कितना होगा? वन टू थ्री, वन टू थ्री, क्योंकि फाइव है ही नहीं, तो है नहीं, ये है ही नहीं। अच्छा अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं बी माइनस ए, बी माइनस ए पूछूं तो क्या करोगे? छोटे डब्बे में से बड़ा डब्बा माइनस करो मतलब सभी निकाल दिए, बिल्कुल सही है। एड सबट्रैक्ट भी कर लिया तुमने सेट्स को, ठीक है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स भी हो गया। क्या कर सकते हैं, एक चीज होती है इंटरसेक्शन और एक चीज होती है यूनियन। इंटरसेक्शन को ऐसे डाउनवर्ड यू से डिनोट करते हैं और यूनियन को अपवर्ड यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले मीनिंग इसके ये, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कहाँ क्या चीज कॉमन है, ठीक है, और यूनियन का मतलब होता है जोड़ना चीजों को, यार कॉमन वॉमन छोड़ो आप सब आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो एक सेट बनेगा उन्हीं एलिमेंट्स का जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? टू टू। और इस पर्टिकुलर केस में ए यूनियन बी हो जाएगा वन टू और थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, सही है। तो ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, और कोई कहानी नहीं है इसकी। इसको तुम विजुअली भी देख सकते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम कहता है देखो आप सेट्स बनाने लगोगे तो इनफिनिट सेट्स है, लेकिन आप एक काम करो लॉजिकली एक यूनिवर्स डिफाइन कर लो। मान लो मैंने यूनिवर्स डिफाइन कर लिया नंबर्स का, इंटीजर्स का यूनिवर्स डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास एक सेट है ए वन, उसमें कॉमन ही लगाते वन टू और थ्री, ये तीन नंबर्स है उसमें, ठीक है। एक दूसरा सेट है नया ले लेते हैं, चलो फोर भी है इसमें। एक दूसरा सेट है बी जिसमें फोर है एट है और ट्वेल्व है, ठीक है। एक तीसरा भी ले लेते हैं फॉर फन, 16 और 32, ऐसे कर हो गया सी, ठीक है। तो अब मुझे एक बार बताओ ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, बी यूनियन सी कितना होगा, या बी, चलो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बी कितना यूनियन, एक यूनियन का क्वेश्चन दे देते हैं, ए यूनियन बी कितना होगा और एक इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, ये चार वैल्यूज बता दो। एक एक से शुरू करते हैं, आराम से निकाल लो पहले, एक मिनट लेके। ए इंटरसेक्शन सी तो फाइव होगा, एक ही करके बताओ। हाँ दूसरा त्रिभाजक बताएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? फोर, सही है। अब तू बता राशु, ए यूनियन बी वन टू थ्री फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, सही है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइव, फाइव, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो फाइव आ गया। तो ये इसे वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल बोलता है देखो देखो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं सेट की। हम इस पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप चीज़ों के बाद उसके अंदर आप छोटे छोटे सेट्स बनाओ और उनको देखो कौन से ओवरलैप कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। तो ये वेन डायग्राम हो गया।
फिर एक चीज बचती है, आप अपने खुद ही के साथ कुछ कुछ कर सकते हो। इसमें वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये है ए, सॉरी ये यूनिवर्स है, इसको मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट हो सकता है नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का, व्हाटएवर। मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और एक मेरा ए सेट है, ये मेरा सेट ए, ठीक है, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं। एक यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं, व्हाट यू गेट आफ्टर रोलिंग अ डाई। तो डाइस को रोल करके क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 चीज आ सकती है, 6 चीज आ सकती है, ठीक है। ए मान लिया मैंने प्राइम नंबर्स, तुम्हें पता है कि 2 प्राइम है, तुम्हें पता है 3 प्राइम है, तुम्हें पता है 5 प्राइम है, तो ए में आ गया 2 3 और 5। हाँ देखिए पूरा खा लू, होममेड रसगुल्ला, ठीक है छुड़ा दो। तू तो रुक जा भाई, कितना खाएगा पापा से, इसको भी तो बुआ खिलाती रहती है, कम तो है नहीं, जो बोलता है बन जाता है। वही तो बोल रहा हूँ भैया, वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ए हो गया तुम्हारा। एक चीज होती है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि बाकी सब। कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका होता है, ए के ऊपर तुम सी लगा दो या डैश लगा दो। मैं डैश लगाता हूँ, तो ए डैश क्या हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6। ये एक्चुअली कोई, हाँ इस सेट को बनाने की जरूरत नहीं है, तुम शेडेड रीजन देख सकते हो। अगर ग्रीन पार्ट ए है तो तुम ग्रीन से बाहर चले जाओ, बाकी सारा पार्ट तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या ए डैश हो जाएगा। ये तुम्हारा होगा ए डैश, ये तुम्हारा ए होगा, तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसी में छोटी छोटी छोटा छोटा फन खेल लेते हैं लोग, मतलब लोग बोलते हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, एक एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा, कुछ भी नहीं है उसके बाहर जाओगे तो तुम्हें हाँ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यूनियन मिल जाएगा, हाँ तो तुम्हें यूनिवर्स मिल जाएगा। और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, सब हटा दिया सब लेके, ये मतलब वही है रात को लेट नाइट फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे, कुछ भी नहीं था उसका ऑपोजिट करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, वो सब चीजें। अच्छा ये सब हो गया, अब देख लेते हैं क्या बचा है। मैं ना उसको खोल लेता हूँ, इन्होंने स्टैट्स के हिसाब से कुछ कुछ रखा हुआ है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी। अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, इवेंट क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, नल सेट देख लिया, कॉम्प्लीमेंट देख लिया, कॉम्प्लीमेंट भी ठीक है, सेट ऑपरेशन देख लिया, इंटरसेक्शन और यूनियन कुछ कुछ एग्जाम्पल है, वेन डायग्राम देख लिया, 2 4 6 इन्होंने भी 2 4 6 किया, अच्छा इवेंट नंबर क्या है, वेन डायग्राम। अच्छा फिर कुछ क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, व्यू सिंगल पेज कंटिन्यूस प्रो बड़ा हो जाता है। अब आ रहे मजे, अब देखो एक क्वेश्चन 2.3 के दोनों दोनों टाइप है, इनको सॉल्व करते हैं, क्या करना है, ड्रॉ सेपरेट वेन डायग्राम, तो सिर्फ ड्रॉ करना है, सॉल्व क्या करना है, चलो ठीक है ड्रॉ कर ले, ड्रॉ प्रैक्टिस। एक राशि तो पहले नहीं, तू दूसरा कर और त्रिपाठी तो पहला कर, खाए ठीक है, बस ड्रॉ करना है, छोटा सा पार्ट और बचा है। सैंपल स्पेसेस में एस तुम्हारा जो हो जाएगा वो यूनिवर्स हो जाएगा। जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं जो ना ए में हो अगर और जो बी में ना भी ना हो, उन्हें सैंपल स्पेस में बॉक्स में ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं नंबर्स को, बॉक्स में ड्रॉ करना है एक्चुअली, हाँ है ना, ठीक है डन। जो फर्स्ट करना था ना, हाँ तो जो फर्स्ट करना, हाँ ठीक है ठीक है, आ गया डिस्कनेक्ट हो गया।
नहीं नहीं यही होगा, वो आंटी आ गई होगी पीछे। अच्छा बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुको। हां हो गया, बन गया, हो गया। तो बता दो, तो मैं एनोटेशन ऑन कर देता हूं, थोड़ा सा तुम भी खेल लो। एनोटेशन ऑन ही है ना पार्टिसिपेंट। हां तू ड्रॉ करते राशि पहले। ये ड्रॉ कर सकता हूं ये कैसे? अच्छा तेरे पास वेकॉम, अच्छा माउस वगैरह नहीं होगा तेरे पास? माउस है अभी बट यहां पे ड्रॉ कैसे? मेरे पास वेकॉम वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा एनोटेशन तो है ना, एनोटेट नाम की चीज होती है, कुछ ही कर लेती है यार। यार ठीक है बट मैं फोटो खींच के भेज देता हूं। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, फालतू टाइम खींचने वाली बात है, छोड़ दो छोड़ दो, मैं यही कर देता हूं। मैं सोचा स्क्रीन के उसमें आ जाएगा एनोटेट। तो हम लोग कर नहीं सकते शायद अपने कर सकते हो, मैंने तुम्हें हाँ एमएस टीम्स में होता था पता नहीं कैसे, मैथ्स वाले सर ने एक बार गलती से कर दिया था। जूम में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो पहले में ये 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर होने चाहिए, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, एक सेट है। तू बता रहा तूने कैसे बनाया, पहला वाला तो बता उसमें बनाया ना, कैसे बनाया। फिर बता देता हूँ। अच्छा तो पहले उसने वन से बनाया लेके था, सिक्स ठीक है रुक जाओ। हाँ 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 त्रिपाठी तू मैं बता बता पहला रहा कैसे बनाया। हूँ। पहले तो भैया ऐसे ही बॉक्स है, फिर दो सर्कल है ऑडी के लोगों जैसे, बट दो ही है मतलब ठीक है बीच में ठीक इंटरलिंक्ड है, ठीक है। है ठीक और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहां पर वन आएगा, है ठीक और बी में जो राइट साइड वाला मतलब सर्कल है वहां पर इंटरसेक्शन के बाद 2 और 3 आएगा, और है ठीक बाहर नॉर्मल बॉक्स में 4, 5, 6 आएगा। है और जो लेफ्ट वाला सर्कल है उसे ए बोल देंगे, राइट वाले को बी, और ठीक है डब्बे के बाहर एस। ठीक है। ये लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट मतलब मैं इसमें कुछ गलती नहीं है, बट मैं अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या ये भी ठीक होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 हाँ भैया बिल्कुल होगा। ये भी ठीक होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। हाँ ठीक है इसको राशु को देख लेते हैं, राशु कैसे बनाना है बताइए। राशु तूने कैसे बनाया? ठीक मैंने 3 सर्कल बनाए थे, ठीक है, तीनों है लिंक कर रहे हैं आपस में एक कॉमन जगह पे, उस कॉमन जगह पे आएगा जहाँ पे तीनों लिंक कर रहे हैं वहाँ पे आएगा 7। हाँ ठीक है ऐसे बनाया, बीच पे बिल्कुल आएगा 7। ए और सी के बीच में आएगा 4। ए ठीक मेरा है सबसे पहले वाला है लेफ्ट साइड, और सी मेरा सबसे नीचे वाला था वैसे, बट चल कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। मैंने साइड में ले लिया। हाँ ठीक है, और सी और बी में आएगा 8 9, 8 9 ठीक है, सही कह रहा है। हाँ और बी एट के नाइन अंदर आएगा 3, और ए के बी अंदर में आएगा आएगा 1, 1, सी में आएगा 1, और सी ए के में अंदर कुछ आएगा, आएगा सी में कुछ नहीं आएगा। सी में कुछ नहीं आएगा, और 2 5 6 लास्ट में बच जाएंगे सुपर टू सेट फाइव में। सिक्स लास्ट में बचेगा, ठीक है। एनोटेशन बंद करता हूँ, बिल्कुल सही है। तो हल्के से फील आ गई, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है असली, सब कुछ सीखने के बाद जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नीचे के इमेजेस। ये सबसे ईजी है। इन्होंने ए बनाया हुआ है और ऐसे ग्राफ से ग्रे कलर के दिखाया हुआ है कि ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर जाता है। तो ये जो पहला ए का डायग्राम है कॉम्प्लीमेंट ये, होगा। हाँ ये जो पहला डायग्राम है ये है ए कॉम्प्लीमेंट का, ए डैश का। तो डायग्राम अबव शोज ए डैश दैट इज एवरीथिंग दैट ठीक इज नॉट इन ए, ठीक है। अब ये वाला देखो, नीचे ये दोनों डायग्राम देखो। मेरे नेट जा रहा है ठीक। आपकी वीडियो क्या? भैया म्यूट हो, म्यूट हो। हाँ अब क्लियर हो गया ठीक सर। है अब सही हो गया। हाँ हाँ हो गया हो सही गया। है। हाँ ये रोज मेरे को 1.5 साल से हर आधे घंटे पौने घंटे में मुझे अपने फोन का वाईफाई चेंज करना पड़ता है, हॉटस्पॉट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और 6 महीने पागल हो जाऊंगा। तो ये है डायग्राम, फिर इसमें ना पारे जी का बिस्किट वो रखा होता है, हाँ वो उधर रखा पारे बस। आपको लेना आप भी ले लो, आधे आधे दे दो, आधे ले लो आप, ठीक है। तो अब ये वाला डायग्राम देखो, पहला वाला ये है ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि जो चीज़ ए और बी में कॉमन है वो ले लो, ठीक है। और दूसरा डायग्राम है कह रहा है ए ए यूनियन बी, यूनियन बी का इसमें जो ए में आ रहा है बी में आ रहा है सब ले लो, ठीक है।
इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि जो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है उसको दो बार ले लिया. रिमेंबर सेट्स में तुम दो बार नहीं लेते. तुम अगर ए यूनियन बी एक सेट बना रहे हो तो तुमने ये सारी वैल्यूज उठाई हैं, एक एक बार ही उठाई हैं, एक एक बार, ठीक है, कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई. अब यूजिंग, तुम ये दोनों समझ में आ गए. अब तुम्हारा काम ये है, असली गेम जो है वो है इन चारों की इमेज बनाना. ठीक ठीक है, चलो लाइन से बना दो चारों की. तुम्हारे पास है कितने मिनट है? जब भी ये वीडियो बंद हो जाए. ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेट खत्म, फिर प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगा. ठीक है, हो गया. कैसे भेजेगा? सेकंड और फोर्थ तो आई गेस सेम है, और फर्स्ट तो नहीं हुआ मुझसे. कोई बात नहीं, कैसे बनवाऊं तुमसे डायग्राम? कैसे बनवाऊं डायग्राम? एनोटेट का करने का तुम्हारे पास Zoom में ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू एनोटेट. एनोटेट का मतलब पता क्या होता है? तुम उसमें देखोगे Zoom में एक पेंसिल से बनी होगी, उसमें एनोटेट लिखा होगा. मे बी इसलिए शायद मैंने Zoom ऐप इंस्टॉल नहीं किया, वेबसाइट के थ्रू चला रहा हूं. बट मेरे पास तो एप्लीकेशन है. अच्छा कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा. मैं मान के चल रहा हूँ तुमसे हो गया. पहला हो गया ना इशू? हाँ पहला हो गया. मैं बता देता हूँ कहाँ पे शेड करना है, यही तो बताना है इसमें. हाँ बता, इसी पे बनाएंगे. बता. ठीक है, तो पहले वाले के अंदर ए इंटरसेक्ट है, यानी ए इंटरसेक्ट होगा, यानी एक कॉम्प्लीमेंट. हाँ ए, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट पूरा पार्ट होगा एक्सेप्ट ए. ठीक है, और उसके बाद है इंटरसेक्ट में बी के साथ. तो बी और उसमें क्या कॉमन होगा? तो जो ए और बी इंटरसेक्शन है उसको छोड़ के और पीछे का सारा छोड़ के खाली बी के अंदर, जो बी के अंदर खाली कलर होगा इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के. ठीक है, तो त्रिपाठी ये देखिए, ए इंटरसेक्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट है,
एक के बाहर वाला जितना पार्ट है ना उसे मैं रेड कर दिया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा बी है कि नहीं है, तो अब ए के अंदर नहीं जाना, ठीक है। अब ये जो आपका सेट है बाहर वाला सेट है उसको आपने इंटरसेक्शन लेना है बी से, तो ये कह रहा है कि ए से बाहर देख लो जो बी में है, तो कह रहा है बी के अंदर जाना है। तो फिर तो बी और सैंपल स्पेस पूरा ही होगा ना, बी का पूरा नहीं होगा नहीं। ये बी के अंदर कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये आप बी के अंदर रहो, तो पहला सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा सेट है बी, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ऐसी कोई वैल्यू जो दोनों में ए के बाहर भी है और बी के अंदर भी है, तो यानी कि जो रेड भी है और जो ब्लू भी है। हाँ तो ये इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़ के और सैंपल स्पेस को छोड़ के बी वाले पार्ट में सारा कलर वैल्यू, ये समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, अब आ गया। तो इसको जब तुम पढ़ोगे विजुलाइज करोगे ए के बाहर और बी के अंदर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा ए के बाहर जाना है और बी के अंदर रहना है, एंड है ना, तो दोनों चीजें करनी है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो पहला हो गया। ठीक है, पहले का आंसर इज दिस, ए के बाहर और बी के अंदर। हाँ दूसरा बता राशु, दूसरा ए और बी के सैंपल स्पेस को छोड़ दो और बाकी सारा कलर्ड होगा, मतलब ए और इस, इन दोनों सर्कल्स के बाहर जितना कुछ है वो सब रखना है जितना है, सेम तेरा भी आंसर है क्या? हाँ 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 सेम है भैया। हाँ और मेरे को यहाँ पे जो मैंने लॉजिक लगाया उसको मतलब एक चीज बस कंफर्म करनी थी, जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको इज इक्वल टू हम लोग मतलब फोर्स वाला पार्ट लिख सकते हैं ना, मतलब ए ए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल लिख सकते हैं, परफेक्ट। तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ ए के बाहर रहना है और बी के भी बाहर है, एंड लगा हुआ इंटरसेक्शन है, दोनों काम करने हैं मुझे, ए के बाहर भी रहूंगा बी के बाहर भी रहूंगा, इसका मतलब मैं दोनों के बाहर रहूंगा, तो ये इसके बाहर वाला पार्ट है। हाँ भैया यही है, और फोर्थ भी यही होगा, फोर्थ भी देख लेते हैं साथ में। कह रहा है ए और बी को जोड़ लो, ए यूनियन बी, तो ए और बी के अंदर बैठ जाओ, ठीक है ये पार्ट हो गया ए और बी, फिर कह रहे से बाहर निकल जाओ, तो अभी तो अंदर थे अब तुम फ्लिप करके बाहर निकल जाओगे, तो ये दोनों कहाँ से सेम आएगा। ठीक है ठीक है, फिर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड का क्या है, तो बाटी से पूछ लेते हैं, अश्विन ने बता दिया था पहला। थर्ड भैया जो ए और बी जो लिंक हो रहे हैं बीच में वो छोड़ के सारा, सही है, तो मैं ब्लैक मार्क कर देता हूँ जो नहीं लेना है। हाँ बस इतना वाइट एरिया यही नहीं लेना है, बाकी सारा लेना है। हाँ यही सही है, तो